शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सजा उसे नहीं मिलेगी, सजा हमें मिलेगी। हम लोग समाज में किस किस का मुंह बंद करते रहेंगे? आपने कहीं किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया? ये रेप करके भाग रहा था। माझा घर वाला याला बंद करून टाका। काय झालं? सगळे ताकीने विकून खाल्ले यांनी, घरी बसून दारू पितो मेला, याला बंद करून टाका। हा बघा, निकम्मा मलाही मारतो, माझ्या पोरांना पण मारतो, याला सोडू नका। मेरे सामने हात उठाता है? माझी घरवाली है, माझी जोरू है, माझा हक है, मी मारणार मारणार, मी जोरू है। तुझे तेरा हक अभी दिलाती हूँ, बंद कर दो इसे। ताई याना सोडू नका हो। तू घाबरू नको, मला चार पाच दिवस आत मध्ये ठेव ना, आपोआप लाईन वर येणार। परत जा। हॅलो, यस, सॉरी, ये मेरी, ये तुम्हारी बिना शक्कर की। मैडम, हमारे इलाके का दादा बहुत तंग कर रहा है और इस बारे में कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ। हर जुम्मे के रोज 5,000 रुपए हफ्ता लेने आता है, आज फिर आएगा। घबराने की कोई बात नहीं, मैं अपनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को आपके पास भेज देती हूँ, वो आपको सब समझा देगी। आप अपना नाम पता बता दीजिए। अरे बुलबुल, कहाँ तेरा अबू सेठ? बता ना। अरे पुलिस, पुलिस। ठीक है? हाँ, कॉफी प्लीज। कॉफी। थैंक यू। प्लीज कम अगेन। मॉर्निंग। आज सूरज जॉगिंग पे नहीं आया? आज नहीं आए। शादी से पहले ये हालत, तो शादी के बाद क्या होगा? हथकड़ियां पहना दूंगी। जल्दी करो, नहीं तो अकेली रह जाओगे मेरी तरह। बाय बाय। Oh!
शांति, द वर्स्ट इज ओवर। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाए तो तुम्हारे साथ जो हुआ वो मुझे डिटेल में बता दो। तुम्हारे ये स्टेटमेंट कोर्ट में यूज किया जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इस आदमी से पहले कहाँ मिली थी? आज पहली बार ही मैं इससे मिली थी और लिफ्ट ली थी। मुझे क्या मालूम था ये जलील ऐसा होगा और मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा। अरे हम कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाके बयान देने की क्या जरूरत थी, जो कुछ बाहर टूटना था वो टूट गया। अब कोर्ट कचहरी में जाके हमको अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, समझिए आप। आपका मतलब है जिस आदमी ने आपकी बेटी की इज्जत लूटी है आप उसे सजा दिलवाना नहीं चाहते? सजा उसे नहीं मिलेगी, सजा हमें मिलेगी, सजा हमारी पोती को मिलेगी। भरी अदालत में बेशर्मों जैसे सवाल किए जाएंगे। 21 दिसंबर को हमारी पोती की शादी है, लड़के वालों को मालूम पड़ा कि हमारी पोती के साथ ये सब कुछ हुआ है तो क्या बारात लेकर आएंगे? लेकिन दादी माँ, मेरे साथ जो हुआ है वो तो उन्हें बताना होगा। अरे चुप रहे, दरअसल झूठ बोलने से क्या बिगड़ जाता। मैं पुलिस में बयान देकर आई हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ का मतलब ये नहीं कि जो भी आदमी अदालत के सामने लाया जाए उसे मुजरिम करार कर दिया जाए। आपका नाम? शांति। शांति देवी, आप सामने कटघरे में खड़े इस आदमी को जानती हैं? जी। 11 फरवरी को आप इनकी गाड़ी में कैसे पहुंची? इन्होंने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी थी। लिफ्ट आपने मांगी थी? जी हाँ। फिर? मेरा बलात्कार किया। मैं शांति, इस रेप से पहले आप कमारी थी, वर्जिन थी? जी। आपको यकीन है कि आपके साथ रेप सामने खड़े इस नौजवान मिस्टर इंद्रजीत ने किया? जी हाँ। अच्छा मिस शांति, आप बता सकती हैं कि आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है या कमजोर? आपकी नजर बिल्कुल ठीक है या कमजोर? मैं नजदीक का चश्मा लगाती हूँ। लेकिन इस वक्त तो आपने चश्मा नहीं लगा रखा। जरूरत पड़ने पर लगाती हूँ। जिस वक्त आपके साथ रेप हुआ उस वक्त आपने चश्मा लगाया था या नहीं? नहीं। तो फिर आपके पास क्या सबूत है कि आपका रेप इंद्रजीत ने किया? सबूत है इंस्पेक्टर किरण दत्त, योर ऑनर, उन्हीं ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर किरण दत्त को एज ए विटनेस बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। इंस्पेक्टर किरण दत्त, आपने कहीं इंद्रजीत को पहचानने में गलती तो नहीं की? जी नहीं। सोच लीजिए, सुबह का धुंधलका, शांति की नजर कमजोर, आपने कहीं किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया? ये रेप करके भाग रहा था। ये भी तो हो सकता है कि वो भी आपकी तरह जॉगिंग कर रहा हो। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि शांति देवी का रेप हुआ है, लेकिन वो रेप इंद्रजीत ने नहीं किया। दैट्स ऑल, नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। योर ऑनर, अब मैं डिफेंस की तरफ से एक विटनेस पेश करना चाहूंगा, मिस्टर अरुण पंडित। आपका नाम? अरुण पंडित। आपका पेशा? मैं पुणे के नटराज होटल में मैनेजर हूं। आप मिस इंद्रजीत को जानते हैं? इन्हें? जी अच्छी तरह से, ये जब भी पुणे आते हैं हमारे ही होटल में ठहरते हैं। गुड। ये आखिरी बार आपके होटल में कब ठहरे थे मिस्टर पंडित? जी हाँ, 9 फरवरी से 11 फरवरी तक। 11 फरवरी की रात को इन्होंने 2 बजे चेकआउट कर दिया। यानी 11 फरवरी को जिस दिन रेप हुआ ये आपके होटल में थे? योर ऑनर, आपके पास इस बात का सबूत है कि 11 तारीख को जिस दिन रेप हुआ ये आपके होटल में थे? हाँ क्यों नहीं, होटल का रजिस्टर है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने होटल का रजिस्टर पेश करता हूं जिसमें इंद्रजीत का नाम और दस्तखत साफ है। तो जब 11 तारीख को इंद्रजीत बंबई में था ही नहीं तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसने मिस शांति को लिफ्ट कैसे दी और उसका रेप कैसे किया। मुलजिम इंद्रजीत को बाइज्जत रिहा किया जाता है।
रेप केसेस में हमेशा अदालत विटनेस मांगती है। इस केस में मैं विटनेस थी और नतीजा आपके सामने है। ऐसे हजारों केसेस हैं जिसमें विटनेस होते ही नहीं, उनका क्या किया जाए? सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। और काफी सुझाव है सर, आप पढ़ लें। मैं तुम्हारा नजरिया समझता हूँ, तुम्हारे सुझाव हायर अथॉरिटीज को भेज दिए जाएंगे। हेलो, हाँ सूरज, मॉर्निंग, जस्ट अ मिनट, योर फोन। हेलो। क्या भाई, कहाँ रहती हो? मालूम है पिछले 3 दिन से नहीं मिली मुझसे। मैं बाद में बात करती हूँ। कब? मैं फोन करती हूँ। अब मुझसे ये चूल्हा चक्की का काम नहीं होता। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम एक और नौकरानी रख लो। मुझे नौकरानी नहीं, बहू चाहिए, बहू। ये तो मैंने किरण से पूछा ही नहीं कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। ये किरण कौन है? ओ माँ, वो एक लड़की है। तो उससे शादी करेगा? माँ, एक शर्त पर, अगर वो तुझे पसंद हो तो। तुझे पसंद है? हाँ मुझे तो है। तो मुझसे कब मिलवा रहा है? आजी? हाँ माँ, अभी। सूरज क्या सोच रहे हो? डर रहा हूँ आज माँ तुमसे मिलना चाहती। वो तो मैं आ ही रही हूँ। हाँ, अगर माँ ने भी तुम्हें पसंद कर लिया तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, और फिर मैं हमेशा के लिए बेकार हो जाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? वैसे कि सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग के उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। तो एक काम करो, मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दो। नहीं किरण, अगर तू मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। अगर मिल गई तो बेकार हो जाओगे, और अगर ना मिली तो मर जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, मुझ पर क्या बीतती है तुम इसकी परवाह मत करो, बस तुम इसी तरह मेरे साथ रहो। अरे गौरी जी, पहली बार आ रही है मेरी होने वाली बहू, देखना उसकी खातिर में कोई कमी ना रह जाए। जी यहाँ का गुस्सा है, ये तो पुलिस वाले का घर है। ना दिखा इधर, माशाल्लाह अच्छी खासी खूबसूरत लग रही है ये। क्यों यार, इससे पहले यहाँ वो आ जाए हम भाग चलते हैं। चलो। पागल हुआ है, अब तो इसके आने का इंतजार किया जाएगा। बिल्कुल। Hi baby, how do you do? Give me a kiss. Amy. Kya baat hai? Wow. Bas karna. Come on. Beautiful. Yeah, but. तूने उसे एड्रेस ठीक समझाया था कि नहीं? हाँ माँ, वैसे किरण इतनी देर करने वाली तो नहीं,
शायद कुछ बात हो गई हो, मैं एक मिनट फोन करके देखता हूँ। हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ, किरण जी हैं? किरण तो कब के चली गई? ओके थैंक यू। माँ, मैं खुद होके आता हूँ। इस हादसे का मतलब समझते हैं आप? किरण दत्त पर हमला पूरी पुलिस फोर्स पर हमला है, मुझ पर, तुम पर। अगर हम लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें देश के रक्षक कहलाने का कोई हक नहीं। यू अंडरस्टैंड? हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे सर, सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया। मेरे स्वर्गीय दोस्त पुलिस कमिश्नर श्याम दत्त की बेटी है किरण दत्त, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। ये हम दोनों का प्रभाव ही था जो उसे पुलिस फोर्स में लेकर आया। आनंद स्वामी, उन बदमाशों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, चले गए यहां से। किरण, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारा चेहरा वैसा ही खूबसूरत है, कुछ भी नहीं बदला। कुछ बदल गया है, मैं, तुम, ये समाज। कल तक जो आंखें मुझे सच से देखती थी, आज उन आंखों के ना है, दया है। नहीं किरण, ऐसा मत कहो, मेरी आंखों में प्यार है, प्यार है। और मां आज भी अपनी बहू की राह देख रही है। अब किसी को मेरी राह देखने की जरूरत नहीं सूरज। एक कलसी गंगा जल में अगर एक बूंद शराब मिला दी जाए तो सारा गंगा जल अपवित्र हो जाता है। आई एम डॉक्टर आशा मेहता। मिस किरण, आप अपने आप को उस पाप की सजा दे रही हैं जो आपने नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपका तन और मन आज भी पवित्र है। एक्सक्यूज मी प्लीज। डॉक्टर, आपकी इजाजत हो तो मैं इनका स्टेटमेंट ले सकती हूँ? जी। थैंक यू। तू पागल हो गया है? जो उस पतिता को अपनी बीवी बनाने पर तुला हुआ है, लेकिन मैं उसे अपनी बहू हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी। मैं पूछता हूँ माँ, उसका दोष क्या है? मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि वो किसी की छूटन है।
तू उसके जीवन में आने वाला पहला आदमी नहीं है। देख माँ, कितने ही पति ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों के जीवन में आने वाले पहले आदमी नहीं होते, और फिर किरण के केस में तो उसकी मर्जी से नहीं हुआ है। अहलिया के जीवन में भी ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। लेकिन भगवान राम ने उसको अंग लगाकर माफ कर दिया था माँ। पर उसी भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को अग्नि परीक्षा के लिए भेज दिया था। बेटा, हम लोग समाज में किस किस का मुंह बंद करते रहेंगे, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। इधर सर। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं किरण दत्त से मिलने आया हूँ। जी वो अभी अभी सोए हैं, आप कहें तो जगा दो। नहीं नहीं, उन्हें आराम से सोने दीजिए। ये आराम की नींद नहीं, चेहरे से साफ पता चलता है कि वही भयानक सपना देख रही है। बचपन से जानता हूं उसे, उस वक्त भी खेलते कूदते सो जाया करती थी, और इसके चेहरे पर फरिश्तों की सी मुस्कान होती थी। पता नहीं अब वो मुस्कान इनके होंठों पर लौट कर आएगी या नहीं। Let's hope for the best, doctor. ये फूल मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। And doctor, do me a favor. किरण दत्त की हर पल की खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। जी। Thank you. स्कूल जाना और शाम को जल्दी से वापस आ जाना, फिर पापा के साथ घूमी घूमी करने जाएंगे। अरे भाई कहाँ हो, पिंकी को स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं अभी आई। पप्पी ये लो। थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय बाय, सी यू, बाय बाय डैडी। बेटे शाम को मुझे देर हो जाएगी, तुम घर वापस अकेली आ जाओगी। हाँ मम्मी मैं आ जाऊंगी, मैं पहले भी तो अकेली कई बार आ चुकी हूँ। अच्छा बेटे बाय बाय। बाय 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 मम्मी। हाय डार्लिंग। हाय पिंकी। पिंकी तो घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ है? मैंने तो समझा था कि वो तुम्हारे साथ होगी, तुम ही तो रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती हो ना। हाँ लेकिन आज सुबह मैंने उससे कहा था कि घर शाम को अपने आप पहुंच जाए, इतनी रात के कहाँ हो सकती है। रामू Excuse me, पिंकी यहाँ रहती है? जी हमारी बेटी है, क्या बात है? आप मेरे साथ चलिए। लेकिन बात क्या है? देखिए आप जरा जल्दी मेरे साथ चलिए। बेटी साहब कहाँ है मेरी बेटी, क्या हुआ उसको? एक हैवान ने आपकी बेटी का रेप किया है, अब वो जिंदा नहीं है। नहीं, 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 नहीं। नहीं।
तुमने मेरी बेटी का खून किया है। क्यों, आखिर क्यों नहीं गई तुम उसे स्कूल से लेने? अल्पना ने बुलाया था। क्यों बुलाया था तुम्हें अल्पना ने? उसके घर में एक गेट टुगेदर थी। ओ, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे लिए वो फिजूल की गपशप तुम्हारी अपनी बेटी की जान से ज्यादा अहमियत रखती थी? वो इससे पहले भी तो घर अकेले वापस लौटते थे। एक्सीडेंट्स हर रोज नहीं होते। सच तो ये है कि तुम्हारे भीतर माँ का दिल है ही नहीं। तुम्हारे पास मरीजों के लिए वक्त है, फिल्म देखने के लिए वक्त है, सजने संवरने के लिए वक्त है, बस वक्त नहीं निकाल पाई तुम तो अपनी बेटी के लिए। और उस मासूम को उस भेड़िए के सामने तुम और कानून इस सब के लिए उस हैवान को जिम्मेदार ठहराओगी, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी लापरवाही। आज नहीं तो कल ये होना ही था। मैं तुम्हें इसकी सजा तो नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसी डायन के साथ भी नहीं रह सकता जो अपनी ही औलाद को खा गई हो। मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज बत्ती जला दीजिए ना। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो मुझे, गेट आउट। किरण, मैं चाय पीने को जी। मैं बना के आती हूँ। तुम ही पियोगे चाय? हाँ तो बैठो, मैं लाता हूँ। रात की याद दिलाती है। किरण, मैं हूं।